हे हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि अभी तक आप सभी को पता चल चुका होगा कि सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लास 10 और क्लास 12 के जो है डेट शीट वो जारी कर दी है। क्लास 10 के एग्जाम की अगर हम बात करें तो वो चलेगा दोस्तों 25 अगस्त से लेकर 8 सितम्बर तक, जबकि क्लास 12 का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो चलेगा 25 अगस्त से लेकर 15 सितम्बर तक। एग्ज़ाम की टाइमिंग दोस्तों 10:30 से 1:30 बजे तक रखी गई, यानी 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक रखी गई। राइट, क्लियर हो गया दोस्तों। अब इस डेट शीट को लेकर बहुत से बच्चों में कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न इसलिए क्योंकि इस डेट शीट में केवल कंपार्टमेंट एग्ज़ाम लिखा गया है, तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर क्या ये जो डेट शीट जारी की गई है केवल प्राइवेट कंपार्टमेंट विद्यार्थियों को जारी की गई है या सभी को जारी की गई है। तो दोस्तों, सीबीएसई ने जो डेट शीट जारी की है ये प्राइवेट कंपार्टमेंट पत्राचार, ठीक है, इम्प्रूवमेंट और री एग्जाम से संबंधित जितने भी छात्र हैं सभी के लिए ये डेट शीट जारी की गई है, ना कि केवल कंपार्टमेंट और प्राइवेट छात्रों के लिए। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एक और चीज़ से। इस एग्जाम से संबंधित छात्रों का सवाल ये है कि सर क्या जो हमारा एग्जाम सेंटर होगा वो होम सेंटर होगा या सेंटर बाहर जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, इस बार का जो आपका सेंटर होगा वो कोविड-19 के सिचुएशन पर निर्भर होगा। जिस जिले में आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, उस क्षेत्र के स्कूल के आसपास अगर कोविड केस ज़्यादा होंगे तो आपका जो सेंटर वहाँ पर नहीं हो कहीं हो जा सकता है, ठीक है। तो यानी सेंटर होम सेंटर भी हो सकता है या बाहर भी जा सकता है और दूर भी जा सकता है, जैसा कि सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा था। क्लियर हो गया। इसके अलावा बहुत से बच्चों के ये भी कमेंट्स है, कन्फ्यूजन है कि सर जो इस बार के एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं क्या उसमें 50% जो MCQ आएंगे और 50% सब्जेक्टिव आएंगे। तो दोस्तों, मैंने आप सभी से पहले भी कहा था, और जो इस बार का एग्ज़ाम होगा री एग्ज़ाम वो वैसे ही एग्ज़ाम होगा जो आपके एग्ज़ाम कैंसिल होने से पहले होने थे, यानी दो जो एग्ज़ाम 2020-21 के जो आपका सिलेबस था उसी के अनुरूप ही एग्ज़ाम लिए जाएंगे, जो आपके सैंपल पेपर सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही उसी के सिलेबस के आधार पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेता, नहीं तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए अब एक बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन ये था कि सर जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे क्या एग्ज़ाम में नंबर काट लिए जाएंगे या एग्ज़ाम बहुत टफ पूछा जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, जो भी आप सभी को कह रहे एग्ज़ाम टफ होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम वैसा ही होगा जैसे पहले होता था, यानी कुछ क्वेश्चन हार्ड रहेंगे, कुछ बहुत ईजी रहेंगे, कुछ मीडियम क्वालिटी के रहेंगे, राइट। तो तीन ही आधार पर पेपर बनते हैं, तो ऐसे ही आपके पेपर हो सकता है। हो सकता है ईजी पेपर हो, पहले के पेपरों से ज़्यादा ईजी हो, कठोर या कह सकते हैं जो हार्ड वर्क नहीं आएगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिए, और अगर आप पूरी तरीके से तैयार एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप चाहे कैसे भी एग्ज़ाम, आप मुझे पता है और आपको अपने पर पूरा भरोसा होगा कि आप अच्छे से एग्ज़ाम कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब बहुत से बच्चे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम में जो टीचर चेक करेंगे बाहर से चेक होगा। तो दोस्तों, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे वो आपके टीचर चेक नहीं करेंगे, वो एक्सटर्नल जो टीचर हैं वो चेक करेंगे। तो इसके अलावा बहुत से बच्चे प्रश्न पूछ रहे थे कि सर स्कूल वाले नंबर काट सकते हैं। तो दोस्तों, आपका जो नंबर स्कूल वाले कैसे काटेंगे, आपके पास अपना री चेक करने का भी अधिकार होता है। तो ऐसे किसी भी गलतफहमी में ना रहे कि स्कूल वाले नंबर काट लिए जाएंगे, बट अभी तक की जो सिचुएशन रही है मैं मान सकता हूँ स्कूल वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब हो चुकी हैं। अब सीबीएसई ने डेट शीट जारी कर दी, यानी सीबीएसई ने एग्ज़ाम लेना बिल्कुल तय कर दिया है, किसी भी कीमत पर सीबीएसई एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करेगी। तो बेहतर यही होगा दोस्तों आप सभी के लिए, और मैं आशा करता हूं अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुके होंगे। जो भी आपका सिलेबस है, चाहे अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, सभी लोग अपने डेट शीट के अकॉर्डिंग जो है अपना सिलेबस तैयार कर लें, मेन मेन टॉपिक को देख लें और उसी पर लगातार फोकस करते रहें, क्योंकि कम समय में एक अच्छी तैयारी करना एक अच्छे छात्र का एक गुण होता है। और आप सभी, मैं चाहता हूँ आप सभी जो है एक अच्छे छात्र हैं और अपने छात्र के जो कर्तव्य हैं उसको पूरी तरह से निभाएंगे। दोस्तों, बस यही इस वीडियो में आप सभी से कहना था। वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी इसी तरह से प्यार देते रहें और मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार के ऑथेंटिक और नॉलेज से भरी चीज़ें लाता रहूँगा। और यदि आपको आर्ट साइंस से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कोई भी क्वेरी चाहिए, MA MPhil PhD समेत सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार मुझे प्यार दे रहे हैं, मैं इसके लिए आप सभी का आभारी हूँ। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, तो यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और शुभ रात्रि।